दरअसल जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इन चुनावी सरगर्मियों में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है। इस दौरान उन्होंने तीन परिवारों पर जमकर निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। दूसरी खबर होगी ज्ञान वापी से जुड़ी हुई। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान वापी में साक्षात बाबा विश्वनाथ निवास करते हैं, ये बयान दिया है। तो वहीं तीसरी खबर होगी फरीदाबाद से। बारिश की वजह से एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ही एसयूवी डूबने से बैंक के मैनेजर और कैशियर की जान चली गई है। इस हादसे की वजह से दोनों परिवारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। चौथी और आखिरी खबर होगी गाजियाबाद से। खबर मन को हिलाकर रख देने वाली है। दरअसल अब तक आपने लव जिहाद के बारे में सुना था, लेकिन अब एक नया जिहाद सामने आया है, वो है जूस जिहाद। सुनकर आप सभी चौंक गए होंगे। ऐसे में अगर आप बाहर जूस पीते हैं तो जरा सावधान हो जाइएगा। सभी खबरों को विस्तार से आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ करेंगे, जम्मू कश्मीर की। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि तीन खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। एक तीर से तीन निशाने साधे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने मिलकर पाप किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है तीन खानदान जम्मू कश्मीर में बर्बादी के जिम्मेदार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन तीन खानदानों ने पाप किया है। एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। इन तीनों खानदानों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को सालों तक बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए डोडा पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने ये तीखा हमला बोला है। खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए पीडीपी के साथ, तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नज़र मुझ पे पड़ी तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नज़र आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नज़र नहीं आएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। डोडा से हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। आनंद, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से तीन निशाने साधे। जी बिल्कुल, अगर आंचल बात की जाए, विधानसभा चुनाव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। उन्होंने आज जम्मू प्रांत के डोडा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और सबसे बड़ा सवाल तीन परिवारवाद से पूछा गया कि तीनों पार्टी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, इन तीनों पार्टियों को परिवारवादी पार्टी करार दिया और उनके साथ साथ तमाम जनता के ऊपर बताया कि इन तीनों पार्टीज ने कई दशक तक जम्मू कश्मीर को लूटा है और उनके ही शासनकाल में आतंकवाद, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम वो चीजें रही जो बढ़ी। और आज ये आलम है कि जम्मू कश्मीर जो एक
पहले जन्नत हुआ करती थी तो कई आतंकवाद बढ़ने के बाद दोजत तक इसने देखा है। कई सवाल प्रधानमंत्री ने खींची, कई लकीरें खींची, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा गया। आपको समझना होगा कि चुनावी जनसभा की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री ने की। डोडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रैली के दौरान कई सवाल पूछे गए विपक्ष से, कई चीजों का वादा किया गया, विकास का वादा किया गया, तमाम चीजें बताई गई। कैसे आगे जम्मू कश्मीर को लेकर क्या योजना है बीजेपी की, पीएम मोदी क्या क्या आगे लेकर कर रहे हैं, तमाम चीजों के बीच बातें रखी गई। उसके साथ साथ विपक्ष भी निशाना साधा गया। देखिए 19 तारीख को कश्मीर में रैली है। दरअसल बीजेपी तमाम रैली के साथ ही कोशिश कर रही है कि दोनों प्रांत जम्मू और कश्मीर को एक साथ साधा जा सके। और परसों ही HM यानी अमित शाह भी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ही होंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि हर एक व्यक्ति तक विचारधारा पहुंचाई जाए, लोगों तक पहुंचा जाए, कोशिश की जा सके कि हर एक मुद्दे तक जनता को रूबरू किया जाए, उनका समर्थन पाया जाए। क्योंकि जम्मू वो प्रांत है बीजेपी के लिए, वो सबसे स्ट्रांग जम्मू में ही मानी जाती है। और कांग्रेस को लगातार यहाँ पर बैकफुट पर करने को लेकर तमाम चीजें की जा रही हैं, अपनी विचारधारा पहुंचाई जा रही है, अपने एजेंडे लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और लगातार बड़े नेता योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम स्टार प्रचारकों की एक पूरी लिस्ट जम्मू कश्मीर चुनाव में आएगी। दरअसल पूरी कवायद का बीजेपी का मकसद ये है कि हर एक कीमत पर जम्मू कश्मीर को जीता जा सके। क्योंकि आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद 10 साल तक यहाँ सरकारें नहीं रही और तमाम विकास जो योजनाएं की गई जनता तक पहुंचाया जा सके और कोशिश की जा सके। जनता का समर्थन या कहें उनका समर्थन मिलने के बाद तमाम चीजें कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगी। और यही कारण है कि तमाम बड़े नेताओं का एक लंबी फहरिस्त जम्मू कश्मीर के चुनाव में लगाए जाने को लेकर लगातार बातें चल रही हैं और कईयों को लगा दी गई हैं। जी बिल्कुल आनंद।